हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आप लोग देख रहे हो टेक्निकल फैक्ट्स। दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपको पता होना चाहिए आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैक हो रहे हैं। भले वो चैनल छोटा हो या बड़ा हो, सब चैनल्स हैक हो रहे हैं अभी बहुत सारे। जैसे कल रात में मैंने एक न्यूज़ पढ़ी, जो कैरी मिनाडी जो है बहुत बड़ी यूट्यूबर है, उनका यूट्यूब चैनल हैक हो चुका है। उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर भी एक स्टोरी डाली है कि उनका यूट्यूब चैनल हैक हो चुका है। तो हैकर्स किस तरह से ये यूट्यूब चैनल को हैक करते हैं और कैसे आप इससे बच सकते हैं हैक होने से, तो ये सब आपको प्रैक्टिकल में बताऊँगा इस वीडियो में। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मोस्टली जो हैकर्स होते हैं वो स्पॉन्सरशिप का मेल भेज के यूट्यूब चैनल को हैक कर रहे हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पे एक। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मेरा मेल आईडी ओपन कर लेता हूँ, जीमेल यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने मेरा जीमेल ओपन कर लिया है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी मेल आया नहीं मुझे स्पॉन्सरशिप का। तो बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स होते हैं उनके पास स्पॉन्सरशिप के लिए मेल आते हैं। जैसे मैं एक यहाँ पे एक मेल सेंड करता हूँ मेरी इसी आईडी पे। मैंने मेल ऑलरेडी टाइप किया है, मैं यहाँ पे सेंड करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेल सेंड कर दिया, अभी यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ देर में मेरे पास यहाँ पे एक मेल आएगा। तो आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, वेट करते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कुछ देर रुकने के बाद में मुझे यहाँ पे मेल आ चुका है। जो मेल मैंने ही भेजा है, मैं किसी अकाउंट हैक नहीं कर रहा हूँ, मैं ये मेल मैंने ही दूसरे आईडी से मेरे भेजा है मुझे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से मेल यूट्यूबर्स को आता है। जैसे मैंने यहाँ पे मेल क्रिएट किया है कि मेरे नाम से, मैंने चैनल के नाम से मैंने यहाँ पे मेल क्रिएट किया है। तो इस तरह से मेल यूट्यूबर को आता है। जैसे अभी मेरे पास ये मेल आया है और इस मेल के नीचे यहाँ पे लिखा है इफ़ इंटरेस्टेड देन क्लिक बिलो लिंक, क्लिक ऑन बिलो कंपनी लिंक एंड लॉग इन, ठीक है। इस तरह से लिखा है। अभी यूट्यूबर्स को लगता है कि ये सच में स्पॉन्सरशिप का मेल है। बहुत सारे यूट्यूबर्स को नहीं पता होता है, जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड नहीं होते उनको नहीं पता होता है, तो लोग इस लिंक पे क्लिक करके लॉग इन कर देते हैं अपना अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट। जैसे आपको एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, इसके लिए मैंने ये लिंक जहाँ से क्रिएट किया वो ये सॉफ्टवेयर टर्मक्स, यहाँ से मैंने इस लिंक को क्रिएट किया है और ये लिंक मैंने भेजी है। जैसे यूट्यूबर्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे मैं दिखा था आपको यहाँ पे क्लिक करके, तो जैसे इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करोगे, मतलब कोई भी यूट्यूबर क्लिक करता है इसके ऊपर, तो सेम टू सेम जैसे एक जीमेल का पेज है वैसा एक पेज ओपन हो जाएगा। आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे एक पेज ओपन हो चुका है जीमेल का। देखिए यहाँ पे लिखा है साइन इन टू कंटिन्यू टू जीमेल, ठीक है, ये लिखा है। अभी यूट्यूबर को लगता है कि ये स्पॉन्सरशिप का मेल है, इसके लिए ये इस पर ट्रस्ट करते हैं और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल देते हैं जो कि यूट्यूब अकाउंट का होता है उनके, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं डाल रहा हूँ मेरा आईडी, तो मैंने डाला sandeeptech95@gmail.com, ठीक है। यूट्यूबर्स ये सब डाल देते हैं जो मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। ये डाला, मुझे लगा स्पॉन्सरशिप मेल है। और आप एक बात ध्यान रखिए, ऊपर देखिए ये था, यहाँ पे तो गूगल का पेज खुला है, बट ऊपर जो लिंक है ये वाली जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, देखिए ऊपर ये जो लिंक है जीमेल की लिंक नहीं है। जब भी गूगल का पेज खुलेगा तो वहाँ पे ऊपर gmail.com लिख के आना चाहिए, बट ये लिंक जो है ये कुछ तो अलग ही लिंक है। इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये फेक लिंक है, इसके ऊपर आपको कभी भी लॉगिन नहीं करना है। अगर आपने लॉगिन किया तो क्या होता है वो भी आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे ये मेल डाला मेरा, नेक्स्ट किया। अभी सपोज कि मैं मेरा पासवर्ड डालता हूँ, यूट्यूबर भी सच अपना पासवर्ड डाल देते हैं इस पर, जैसे आपको दिखाता हूँ मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया है। तो देखिए फिर से यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है मुझे, मतलब मेल डालने का पासवर्ड पूछ रहा है। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे मेरा पासवर्ड डाल दिया, sandeeptech@123, ऐसा कुछ भी पासवर्ड डाल दिया मैंने, और मैं करता हूँ नेक्स्ट, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट करूँगा मैं, वैसे ही क्या होगा, ये अकाउंट तो लॉगिन होगा नहीं, बट ये जो डिटेल्स है ये हैकर्स के पास पहुँच जाएगी। देखिए यहाँ पे सेकेंड स्टेप वेरिफिकेशन ऑटोमेटिक पूछ रहा है, जबकि मैंने नहीं लगाया था। अगर लगाया होता तो यहाँ पे हैकर के पास चला जाता। अभी मैं देखता हूँ मेरा आईडी एंड पासवर्ड हैकर के पास गया या नहीं गया है। तो आप अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ये देखिए आपके सामने यहाँ पे दिखाता हूँ, जूम करता थोड़ा सा इसको मैं, तो देखिए यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड दोनों भी जो हैकर है जिसने लिंक क्रिएट किया उसके पास चला जाएगा, ठीक है। मैं आपको ये लिंक क्रिएट करना बिल्कुल भी नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये गलत हो जाएगा, ये यूट्यूब की पॉलिसीज़ के खिलाफ है, तो मैं ये नहीं आपको बताऊंगा। लेकिन इस तरह से आपका यूट्यूब अकाउंट हैक होता है। एक बार आपको हैकर का, एक बार किसी भी हैकर को अगर आपका ईमेल एंड पासवर्ड मिल गया यूट्यूब का, जिससे आप लॉगिन करते हो आपका चैनल, तो वो आपका चैनल हैक ही हो गया, मतलब वो आपका चैनल यूज़ कर सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत सारे यूट्यूबर्स फंस रहे हैं जो अपने फेक आईडी पे लॉगिन करते हैं, फेक स्पॉन्सरशिप के मेल पे लॉगिन करते हैं और उसके अंदर से उनका आईडी एंड पासवर्ड हैकर के पास चला जाता है। शायद ऐसे ही कुछ हुआ होगा कैरी मिनाडी के साथ में, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, बट उनका चैनल हैक हुआ है ये उन्होंने ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया है। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे ऐसे किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक मत कीजिए। पहले लिंक कंफर्म कीजिए कि वो लिंक सच में यूट्यूब से है या फिर किसी स्पॉन्सर से है, उसके बिना किसी भी लिंक पे क्लिक मत कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए एंड गुड बाय।